दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल किरिक पॉली पर। जहां दोस्तों 30 सितंबर को सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी। एक तरफ थी तमिल लैंग्वेज की मूवी PS1, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, और वहीं दूसरी तरफ थी बॉलीवुड की विक्रम वेधा। और इन दोनों ही फिल्मों को आज सिनेमाघरों में 21वां दिन चल रहा है, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों फिल्मों के 21 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप ऋतिक रोशन और सैफ अली खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें PS1 यानी कि पोन्नियिन सेल्वन की, तो फिल्म तमिल लैंग्वेज की थी, लेकिन फिल्म ने सिनेमाघरों में जो इतिहास रचा है वो वाकई काबिले तारीफ है। इस फिल्म ने तमिल इतिहास का सबसे ज्यादा नाम रोशन किया है और फिल्म तमिल इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। मणिरत्नम के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी, जिसमें बड़ी स्टार कास्ट थी। जयम रवि, कार्ति, विक्रम, ऐश्वर्या राय और तरीशा इस फिल्म में अहम किरदारों में थे, और फिल्म का बजट था लगभग 500 करोड़ रुपए का। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 500 करोड़ रुपए जो बजट है PS1 का, ये दो पार्टों का है। अभी इस फिल्म का एक ही पार्ट रिलीज हुआ है जिसका बजट 250 करोड़ रुपए था। इस फिल्म का दूसरा पार्ट आना अभी बाकी है, तो दोनों पार्टों का मिला के फिल्म का जो बजट है वो लगभग 500 करोड़ रुपए का है। फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर 36 करोड़ 50 लाख रुपए का इंडिया से नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था सभी लैंग्वेजेस में, और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा था पहले दिन का 82 करोड़ रुपए। अब दोस्तों वही फिल्म ने 19वें दिन 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की है, और फिल्म का पहले 19 दिनों का इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सभी भाषाओं में 252 करोड़ रुपए हो चुका है, और वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 457 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। और वहीं 20वें दिन की अगर मैं बात करूं तो फिल्म ने 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे, और फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया में जो नेट हुआ है पहले 20 दिनों का वो 253 करोड़ 50 लाख रुपए हुआ है, और वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है 460 करोड़ रुपए हो चुका है अपने पहले 20 दिनों में पूरे वर्ल्ड में। फिल्म आज भी अपने 21वें दिन लगभग पूरे वर्ल्ड से 3 करोड़ रुपए कमाने वाली है, तो अपने पहले 21 दिनों में 463 करोड़ रुपए का फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें विक्रम वेधा की, तो पुष्कर गायत्री के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी, जिसमें ऋतिक रोशन, सैफ अली खान और राधिका आप्टे अहम किरदारों में नजर आए। फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। फिल्म के डायरेक्टर ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी फिल्म को बनाने में, और उम्मीद थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म ज्यादा नहीं चली और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है। अपने फर्स्ट डे पर 10.5 करोड़ रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने के बाद फिल्म ने अपने 19वें दिन 40 लाख रुपए की कमाई की है, और फिल्म का जो पहले 19 दिनों का इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 78 करोड़ रुपए हो गया था, और वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 133 करोड़ हो गया था। और 20वें दिन फिल्म ने 30 लाख रुपए की कमाई की है, तो वही फिल्म का पहले 20 दिनों का जो इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 78 करोड़ 30 लाख रुपए हो चुका है, और वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है 134 करोड़ रुपए के आसपास जा पहुंचा है। लेकिन दोस्तों इन दोनों फिल्मों में आपको सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म पसंद आई कमेंट में जरूर बताइएगा।